उस जनपद का कवि हूं जो भूखा दुखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वो नहीं मानता। कविता कुछ भी दे सकती है, कब सूखा है उसके जीवन का सोता इतिहास ही बता सकता है। वो उदासीन बिल्कुल अपने से, अपने समाज से है, दुनिया को सपने से अलग नहीं मानता। यही है कवि त्रिलोचन का अपना जनपद, उत्तर प्रदेश का जिला सुल्तानपुर, जिसकी धरती ने त्रिलोचन को कवि बनाया। सुल्तानपुर जिले का एक गांव कटघरा चिरानी पट्टी, इसी गांव में 20 अगस्त सन 1917 को एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वासुदेव सिंह। पीपल के पेड़ के आधार पर दादा ने यह नाम रखा। बालक वासुदेव सिंह का बचपन इसी गांव की गलियों में खेलते हुए बीता। तब उस बालक को कहां पता था कि बड़ा होकर वो कवि त्रिलोचन कहलाएगा। लेकिन अपने गांव का वो पहला बालक था जिसने विद्यालय की देहरी पर कदम रखा। बालक में पढ़ने की ललक थी, ज्ञान की पिपासा थी, इसीलिए वो सारी बाधाओं को पार करता चला गया। और त्रिलोचन ने दोस्तपुर के मिडिल स्कूल से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बाल्यकाल की स्मृतियों सहित थोड़े में कह रहा हूँ, मैंने देखा कि किताबें खरीद नहीं सकता तो किताबों की प्रतिलिपि तैयार की और किताबों के साइज का ही कागज वो करके और उसको उसकी सिलाई स्वयं की बाद में अब बांध लिया। तो मैं अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ता था। मास्टर ने एक बार मांगा कि किताब लाओ, तो मैंने हाथ से किताब दे दिया और पेज जहाँ था मूल किताब में वही पेज का नंबर था। मैं जब पहले दिन गया था तो मुझसे पूछा गया कि कोई पाठ पढ़ के आए हो। मैंने कहा कि मैंने पूरी किताब लिख डाली है। अब किताब में, पूरी किताब में कहीं से पूछिए मैं बताऊंगा। शुरू होना था जी उसी दिन, तो उन्होंने कहा कितने पाठ हैं, मैंने संख्या बता दी। फिर पूछा और उन पाठों के नाम क्या हैं, संख्या तो बता दी तुमने जी। तो मैंने नाम बताए इस तरह से, क्योंकि लिखने में तो एकदम हो गया। याद कोई करना चाहे तो लिखने पर आए, लिखने का अभ्यास करे याद होगा, और या रटने की अपेक्षा बार बार लिखिए और उस लिखे को रख सकते हैं तो रखिए, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने से जी ध्यान से उधर से हटेगा और मेहनत तो पड़ती है, बार बार वो बात कहने पर वो ध्यान से निकल जाएगी, इसलिए रटना नहीं चाहिए और याद रहेगा। मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद त्रिलोचन आगरा चले गए। सन 1936-37 के आसपास वहीं रहते हुए उन्होंने लाहौर की शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन वहां कब तक रहते और क्या करते, कोई आर्थिक अवलंब था नहीं। तब उन्होंने रुख किया तीर्थराज प्रयाग की ओर। इलाहाबाद पहुंचकर वो कवि राम नरेश त्रिपाठी के हिंदी मंदिर से संबद्ध हो गए। हिंदी मंदिर उन्होंने चंदा लगा के पहले प्रेस की मशीन उसे ली थी, खरीदा था और उससे किताबें छापी। उन दिनों पाठक कम थे तो हिंदी के प्रकाशक को लाभ कर स्थिति संपन्न लोगों से भी संपर्क रखना था। कभी कभी संपर्क के कारण लोग कहते थे कि इतनी किताबें आप भेज दीजिए, हम सब का दाम दे देंगे। तो बांटने के लिए छोटे छोटे राजे थे बुंदेलखंड में, घूमते रहते थे ये लोग। अब वैसे आज़ादी के समर्थक थे। इनका पथिक काव्य जो है आज भी मैं उत्तम काव्य मानता हूँ, लेकिन नई पीढ़ी के लोग तो भूल गए हैं बाबू ने। खैर, तो राम नरेश त्रिपाठी के यहाँ काम करने लगा। मैंने वेतन वेतन की बात नहीं की उनके यहाँ, उसके पहले एक जगह वेतन की बात हुई थी तो उन्होंने
क्योंकि मैं प्रेस का अनुभवी हो चुका था गुजरात से। अब फुलछाप नाम के साप्ताहिक में जवेर भाई के साथ मैंने काम किया था, तो प्रेस, प्रूफ रीडिंग, लेखन यह सब वहां से सीखा। लेकिन त्रिलोचन के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो बनारस पहुंचे। 1939-40 का जमाना था, जबकि अभावों से लड़ते जूझते त्रिलोचन को काशी नगरी में जीवन का आधार मिला। वो वहां कहानी और हंस जैसी पत्रिकाओं के संपादन से जुड़ गए। फिर भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय घड़ी आई। 1942 में बरतानी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया और त्रिलोचन को भी जेल जाना पड़ा। 42 के दिनों की बात है, उन दिनों मैं मुरादाबाद में था। मुरादाबाद में जगदीश एमए एक पत्र निकालते थे प्रदीप नाम का। जगदीश एमए बाद में कलकत्ता रहे बहुत काफी समय तक। पहले इनका ऑफिस अलीपुर में था, तो अलीपुर में वो रहे। मैं 42 के समय की भी बात कर रहा हूँ। वो तो असल में गुप्तचर विभाग जो है मेरे विषय में डाउट में रहा हो या वो कोई न कोई मेरा पीछा तो करता था। 42 के दिनों में जब वो कांग्रेस ने न एक पाई न एक भाई यह नारा दिया, गांधी जी का दिया हुआ नारा था। जेल से छूटने के बाद वो बनारस से प्रकाशित होने वाले लोकप्रिय समाचार पत्र आज में सह संपादक हो गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वहां से इस्तीफा देना पड़ा और वो काशी छोड़कर मुरादाबाद चले गए, जहां से उन्होंने प्रदीप का संपादन किया। मगर वहां वो रम न सके और बनारस लौट गए, जहां उन दिनों मुक्तिबोध भी कार्यरत थे। उन्हीं दिनों अर्थात 1945 के आरंभ में धरती के कवि त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह धरती शीर्षक से प्रकाशित हुआ और मुक्तिबोध ने हंस में उसकी समीक्षा लिखी। निराली शान शोभा, लाल पीले और नीले, वर्ण वर्ण प्रसून सुंदर, धूप सुंदर, धूप में जग रूप सुंदर, ओस कण के हार पहने, इंद्र धनुषी छवि बनाई, शस्य तृण सर्वत्र सुंदर, धूप सुंदर, धूप में जग रूप सुंदर। बनारस में रहते हुए ही उन्होंने यूपी कॉलेज से 1946 में हाई स्कूल की तथा 1948 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। वहीं अर्थात उदय प्रताप कॉलेज में ही त्रिलोचन की मुलाकात नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह तथा काशीनाथ सिंह से हुई। मूलतः त्रिलोचन प्रेम के कवि हैं और बाद में जैसा मुझे लगा कि यह तुम्हारा वस्तुतः मनुष्यता है और वह मनुष्यता जो गांव में है, देहातों में है, खेतों खलिहानों में है, जो काम करती है, और उस त्रिलोचन को कहीं न कहीं मैंने देहात से आने वाले, हमारे गांव से आने वाले उन बारातियों के बीच देखा था। तो धरती की कविता और धरती की भाषा से यही नहीं कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बल्कि धूमिल की कविताओं में आरंभ में जो नई कविता का एक संस्पर्श हुआ करता था, वह अगर धीरे धीरे धूमिल की कविता से गायब हुआ तो उसका श्रेय धरती की कविताओं को है, जहां धूमिल ने, बल्कि मैं कहूं कि धरती की कविताएं हैं जो धूमिल को धीरे धीरे ख्योली की तरफ ले गई और ख्योली का आदमी धूमिल की कविताओं में आने लगा। मैं और एक चीज कहना चाहता हूं, बनारस
कि सड़कें और गलियां जिस आदमी के कदमों से सबसे ज्यादा परिचित हैं लेखकों कवियों में, वह त्रिलोचन है। आपको मैंने कहा धरती की 6 प्रतियां मुरादाबाद से आई थी कार्यालय से, और प्रथम छात्रावास में था एक नंबर वाले कमरे में, तो मेरा ख्याल है मार्च का महीना रहा होगा आप लेकर के धरती की कापियां आए थे, और उसे प्रूफ की गलतियां रह गई थी, तो आपने उनको बल्कि वहीं बैठे बैठे ठीक किया था। वो कापी अभी मेरे पास है, 45 था, कुछ पंक्तियां रह गई थी। हाँ रह गई थी, खासतौर से वो कविता 2 टुकड़ों में छपी थी, धूप सुंदर धूप में जगरूप सुंदर सहाय सुंदर, पेज नंबर 51 में और 56 में। वाह वाह क्या याददाश्त है आपकी, वाह। वो कॉपी मेरे पास अब भी है। हाँ अच्छा। अभी रखा है उसको बचा करके। सन 1950 में त्रिलोचन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। एमए वो अंग्रेजी से करना चाहते थे। सन 1951 में प्रथम वर्ष की परीक्षा में वो उत्तीर्ण भी हो गए, किंतु उत्तरार्ध की परीक्षा न दे सके। बनारस शहर में त्रिलोचन शास्त्री ने अपनी सारी पढ़ाई ट्यूशन करते, अपने हाथों खाना बनाते और अपने बड़े बेटे जयप्रकाश सिंह को यूपी कॉलेज में पढ़ाते हुए की। अपनी शिक्षा के दौरान त्रिलोचन बनारस के दैनिक पत्र आज तथा ज्ञानमंडल प्रकाशन संस्थान से जुड़े रहे। उन दिनों आज अखबार का कार्यालय कबीर चौरा मोहल्ले में हुआ करता था। उन्होंने वृहद हिंदी कोश और कहानियों की मासिक पत्रिका चित्र रेखा का संपादन भी किया। उन्हीं दिनों डॉक्टर रामविलास शर्मा काशी जाकर गर्मियों में उनके साथ रहे और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर काम किया। मेरे प्रारंभिक गुरु जो थे देवदत्त थे, तो देवदत्त जी ने मुझे व्याकरण पढ़ाया संस्कृत का, और स्कूल में क्योंकि मैं जो जबान पढ़ रहा था वो उर्दू थी, लेकिन हिंदी में मेरा नाम इस कारण था कि देवदत्त जी संस्कृत के व्याकरण तो सिखाते ही थे, उसके बाद प्राकृत में क्या रूप होता है वह भी समझाते थे, यह संस्कृत के गुरु नहीं करते। तो मुझे संस्कृत के साथ प्राकृत और उसका व्याकरण मालूम हुआ। इसके अलावा पाली जो है, पाली का व्याकरण बड़े से बड़ा जो है पुराना, उसमें लिखा है शेषम संस्कृत हुआ, शेष जो है संस्कृत के व्याकरण के अनुसार चलेगा, तो पाली मैंने पढ़ी। इसीलिए सारनाथ में रहते थे उन दिनों धम्मानंद कोसम भी, उनसे मैंने बौद्ध दर्शन पढ़ाने की का अनुरोध किया, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, और यह मेरा सौभाग्य है कि इतने महामनीषी का शिष्य अपने को कहने की स्थिति पाई मैंने। तो आज भी मैं नई भाषाओं की स्थिति पाता हूँ तो सीखने को तैयार हो जाता हूँ, यह नहीं समझता कि अब पढ़ने के दिन नहीं है, पढ़ने के दिन तो आखिरी सांस तक चलने चाहिए। 1953-54 से लेकर सन 1973-74 तक त्रिलोचन का जीवन अनस्थिर सा रहा। कुछ दिनों तक जौनपुर के गणेश राय इंटर कॉलेज में वो अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे, फिर इलाहाबाद चले गए और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के संपादन में लग गए। उन्हीं दिनों प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर भीषण दुर्घटना घटी, जिससे द्रवित होकर त्रिलोचन ने 27 सोनेट लिखे। फिर तो सोनेट और त्रिलोचन हिंदी में पर्याय से बन गए। शीर्षक है यह सुगंध मेरी है, नदी के किनारे पुकार एक मैंने सुनी कल शाम,
यूं उस पुकार में किसी के लिए संबोधन नहीं था। फिर भी मुझे जान पड़ा, जाने क्यों यह पुकार मेरी है तो भी मैं बोला नहीं। सुने राजमार्ग पर परस मिला मुझे, जरा घर मिला आधी रात। यूं उस परस में किसी के लिए अनुरोध नहीं था, फिर भी मुझे जान पड़ा, जाने क्यों यह परस मेरा है तो भी मैं चौंका नहीं। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और तैर कर धारा को पार किया। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और सपरिवार धारा को नाव से पार किया। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और आखिर उसे बांध लिया। बांध कर नदी को मनुष्य दुह रहा है, अब वो कामधेन हुए। नदी के किनारे पुकार एक मैंने सुनी, कल शाम यूं नदी के किनारे पुकार एक मैंने सुनी, कल शाम यूं उस पुकार से मैं किसी के लिए संबोधन नहीं था। 1956 में प्रकाशित गजलों तथा रुबाइयों के संकलन गुलाब और बुलबुल से उनकी छवि शायर की भले ही ना बनी हो, पर अगले ही वर्ष प्रकाशित सोनेट्स के संग्रह दिगंत से वो बाकायदा सोनेट के कवि हो गए। जब मैं लिखने को हुआ सोनेट हिंदी में, तब मैंने सोचा कि सोनेट के लिए कौन छंद को है। मैंने तय किया कि रोला छंद काम का रहेगा, तो रोला लिखा है और 24 मात्रा के दूसरे छंद भी होंगे, रोला नहीं होगा। राम की शक्ति पूजा की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्रा है। आज का तीक्ष्ण सर विद्रित क्षिप्र कर वेग प्रखर सतशेल संवरण शील नील नभ गर्जित स्वर पर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हू विच्छुरित वहनि राजीव नयन हत लक्ष बाण लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। इसके बाद मैंने खोज करनी शुरू की कि हिंदी में सोनेट कब से होगा। बंगला में पहला सोनेट लिखा गया 1861 में और हिंदी में अब मेरी जानकारी के अनुसार पहला सोनेट हिंदी में लिखा गया 1906 में। मैंने सोनेट 2000 से ऊपर लिखे थे, लेकिन छपे हुए सोनेट जो हैं वो मेरा ख्याल है, मैंने गिना तो नहीं, 600 से कम न होंगे। शेक्सपियर ने सोनेट लिखे, शेक्सपियर ने सोनेट लिखे 155 और मिल्टन के सोनेट हैं 22 और सोनेट पहली बार मैंने 35 में लिखे। इधर त्रिलोचन सोनेट के ही पथ पर दौड़ा, सोनेट 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 क्या कर डाला, ये उसने भी अजब तमाशा मन की माला गले डाल ली। इस सोनेट का रास्ता चौड़ा अधिक नहीं है, कसे कसाए भाव अनूठे ऐसे आए जैसे कला आगरा में जो नग है दिखलाता है पूरे ताजमहल। इलाहाबाद से त्रिलोचन फिर बनारस चले गए। वहां 1967 तक वो नागरी प्रचारणी सभा के कोष विभाग में रहे। बीच में कुछ दिनों के लिए रांची चले गए थे राष्ट्रीय प्रेस के मैनेजर होकर, लेकिन वहां टिके नहीं, बनारस उनमें बस गया था। सभा का काम छोड़ने के बाद वो बनारस के ही एक अन्य पत्र जनवार्ता से जुड़ गए।
एक संपादक और एक लेखक के रूप में हमारा उनका संबंध बराबर रहा। उनका जो योगदान है साहित्य को वो बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे एक संस्मरण याद आता है ये कि इन्होंने भी एक पत्रिका निकाली थी, मुझे पत्रिका का नाम याद नहीं रहा क्या है, और उसमें मेरी कहानी छापी उन्होंने, मुझसे कहानी मंगाई और छापी। उस अंक में पहली कहानी मेरी ही है, लेकिन जो विशेष बात बता रहा हूँ ये कि उस युग में उन्होंने मुझको 30 रुपये पारिश्रमिक दिया था। चोट में दबाई एक तिनका गौरैया, मेरी खिड़की के खुले हुए पल्ले पर बैठ गई और देखने लगी मुझे और कमरे को। मैंने उल्लास से कहा, तू आ घोंसला बना जहाँ पसंद हो। शरद के सुहावने दिनों से हम साथी हैं। इस तरह त्रिलोचन के जीवन का एक बड़ा हिस्सा रोजी रोटी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते हुए बीता। व्यवस्थित आजीविका के अभाव को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। अरा रा रा डाल नौकरी है ये बिल्कुल खोटी है, इसका कुछ ठीक नहीं आना जाना, चीर भरा पाजामा लट लट कर गलने से, छेदों वाला कुर्ता, रूखे बाल उपेक्षित, दाढ़ी मूछ सफाई कुछ भी नहीं उपेक्षित, ये था वो था कौन रुके ठहरे, बिस्तर है न चारपाई है, जिंदगी हमने खूब पाई है, कल अंधेरे में जिसने सर काटा नाम मत लो हमारा भाई है, मुड़े मुड़े एक पे एक बवाल, के कां परी के पूछई के हु खवाल, ठोकरें दर बदर की थीं हम थे, कम नहीं हमने मुंह की खाई है, लेकिन जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। त्रिलोचन का मुख्य आश्रय बनारस ही रहा और त्रिलोचन ने बनारस को जिस तरह जिया उसी तरह गाया भी। अंततः सन 1975 में उन्हें बनारस छोड़ना पड़ा और वो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष होकर भोपाल चले गए। फिर 1978 में त्रिलोचन दिल्ली आ गए और उर्दू विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की उर्दू हिंदी कोश परियोजना में कार्य करने लगे। दिल्ली में वो मॉडल टाउन में रहते थे। त्रिलोचन एक जीवित कोश है, जितना ही निकट से आप त्रिलोचन को देखेंगे तो भारत की भाषाओं का इतिहास, उनका बदलाव, उनकी रूपरेखा, उनमें आए हुए स्थानीय और जातीय स्वरूप को समझने के लिए त्रिलोचन से अलग कोई दूसरा आदमी नहीं है। रामविलास जी ने उस पर वैज्ञानिक काम किया है और त्रिलोचन सजीव कोश है। बात करते करते वे आपको बता देंगे कि अवध में इसे ये कहा जाता है और बनारस में ये कहा जाता है। इस दृष्टि से जब भी त्रिलोचन से मैं मिला हूँ या मेरे जैसे व्यक्ति मिले हैं, उन्होंने उनसे अपनी कविता की जमीन खोजी है। दिल्ली में रहते हुए ही सन 1983 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन विजय हृदय की नहीं त्रिलोचन की हुई। उसी वर्ष ताप के ताए हुए दिन संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ताप के ताए हुए दिन ये क्षण के लघुमान से मौन तपा किए, चौध के अक्षर पल्लव पल्लव के उर में चुपचाप छपा किए, कोमलता के सुकोमल प्राण यहाँ उपताप में नित्य तपा किए, क्या मिला जो भटके अटके फिर मंगल मंत्र जपा किए। 1984 में त्रिलोचन सागर चले गए और 1990 तक सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। सागर में ही सन 1988 में उनकी संगिनी ने उनका साथ छोड़ दिया।
मेरी पढ़ाई तो उस समय भी काफी थी, लेकिन पत्नी निरक्षर थी। मैंने उन्हें पढ़ाना चाहा तो मेरी माँ ने विरोध किया कि क्या उसे थानेदार होना है। तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं थानेदार नहीं बनूंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मत पढ़ो। आदमी अपने आप में कम वो नहीं होता, और कोई पढ़ाई किसी को बुद्धि नहीं देती, वो बौद्धिक कार्य अलग है। तो लेकिन मेरी पत्नी को बाद में शमशेर बहादुर ने कहा कि मैं उनको साक्षर कर दूंगा, पढ़ाऊंगा। शमशेर जी व्यवहार में बड़े कुशल थे, तो उन्होंने उन्हें अक्षर ज्ञान कराया, स्लेट खरीदा उनके लिए, और अलिफ की किताब खरीदी पहले दर्जे की, बिगनर्स की, उनको दिया। और पहले पत्नी गांव रहती थी और मैं अकेला रहता था बनारस में। मुझे असल में यह हुआ कि स्लीप वॉकिंग का मर्द हुआ, और स्लीप वॉकिंग तक तो कुशल थी, बाद में मैं स्लीप नहाने का आदि हुआ, सोते सोते। और इसमें अगर कोई नहाते समय, तैरते समय कोई मुझे जानने वाला नाम लेकर के पुकार देता तो मैं डूब जाता, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं कि मैं पानी में, गंगा में नहाता था, और नहाने में पार करता था और बिना रुके पार लौट आता था, यह मेरा नहाने का ढंग था। 1989 में त्रिलोचन को मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त हुआ। 1991 में ईरानी दूतावास की फारसी हिंदी कोश योजना के तहत दिल्ली आ गए थे, लेकिन सन 1995 में वो फिर सागर चले गए, दोबारा मुक्तिबोध सृजन पीठ के अध्यक्ष होकर। पीछे मुड़कर देख रहा हूं, पथ सूना है, जिस पर चलता रहा और चलता जाऊंगा, आगे भी मुझको उस सीमा को छूना है जहां असीम मुस्कुराता है। सांसों के द्रुतगामी रथ पर नहीं रुका हूं, चिर यात्री मैं, ठोकर खाकर नहीं झुका हूं।